इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे ही इस स्कीम के तहत आप आवेदन कर सकते हो, और आवेदन किस तरीके से किया जाता है, इसकी क्या फीस है, वो सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको टाइप करना है राज किसान सुविधा, सॉरी राज किसान साथी। राज किसान साथी ऐप जब सॉरी राज किसान साथी आप करोगे तो जो पहली लिंक यहाँ पे खुलती है वो इस तरीके से कुछ ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये हमारा पूरा सब कुछ लिखा आ रहा है, और यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है किसान नागरिक लॉगिन, एक आता है विभागीय लॉगिन। तो आपको इस पर किसान नागरिक लॉगिन पर क्लिक करना है। किसान नागरिक लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप अपना आईडी का नंबर भरेंगे। आधार आईडी का नंबर भरने के बाद में जैसे मैं अपना भर लेता हूँ एक बार पहले, ये भरने के बाद में आप यहाँ पर सबमिट करोगे। अब उसमें जितने भी मेंबर होंगे उनके नाम यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। अब किसके नाम पर आपको आवेदन करना है उसके नाम पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद में उसके नाम पर आपको ओटीपी भेजना है। ओटीपी यहाँ से जाएगा, और देखिए यहाँ लिखा आ रहा है कि ओटीपी नंबर आपके मोबाइल नंबर है जो उस पर भेजा गया है, और उसको सत्यापित करें। ओटीपी हमें यहाँ प्राप्त हो चुका है, तो यहां पर मैं ओटीपी डाल लूंगा एक बार। ये मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया और उसको मैंने सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर जो मेरी प्रोफाइल है वो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है, आप अपना जो पोर्टल है उसके अंदर मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ यहाँ पर एक कोने में ऑप्शन आ रहा है कॉर्नर पे, आवेदन के लिए क्लिक करें, आपको इस पर क्लिक करना है। पहला ऑप्शन आता है कृषि सब्सिडी सेवाएं, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जितनी भी सब्सिडी की सेवाएं हैं उनमें से किसी में भी आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ से कर सकते हो। जैसे कि जो पहला आ रहा है फार्म पॉन्ड के लिए करना है तो आपको फार्म पॉन्ड के लिए कर सकते हो, तारबंदी के लिए करना है तारबंदी के लिए कर सकते हो, इस तरीके से डिग्गी के लिए करना है, कृषि यंत्रों के लिए, पाइपलाइन के लिए, नेपर ग्रास के लिए, इस तरीके से जिस भी स्कीम में आपको आवेदन करना है वो आवेदन आप यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए आज हम आवेदन करेंगे कुट्टी की मशीन यानी कि चाप कटर के लिए। तो सब्सिडी ऑन फार्म पॉन्ड के जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इसको हम ध्यान पूर्वक पढ़ लेंगे कि क्या क्या चीज इसमें दी गई है और कौन कौन से जो फार्मर है वो इसके लिए एलिजिबल है। कुछ दिया गया है यहाँ पे, इसको चाहो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अंत में यहाँ पे आपको आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पर टिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ फार्मर की जो मेन डिटेल है वो यहाँ पर दिख जाएगी, ऑटोमेटिकली वो फेच कर लेता है। और यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आता है कि न्यू रजिस्ट्रेशन करना है फार्म इम्प्लीमेंट के लिए, तो पूछ रहा है आप यहाँ से आपको इज योर फार्म लोकेशन इज सेम एड्रेस, यानी कि जो आपका जो खेत है वो आपके एड्रेस जो दिया गया है उसमें सेम है। तो हमारा यहाँ पे सेम है, तो मैं जैसे यस पर क्लिक करता हूँ तो सारे के सारे जो ऑप्शन है मेरे यहाँ पे स्टेट है राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट है, पंचायत समिति है, और रूरल है या अर्बन है वो यहाँ पे आ जाएगा, ग्राम पंचायत कौन सी वो ऑटोमेटिक फैच कर लेगा, विलेज कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, ये चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ से फैच कर लेता है। उसके बाद में जो बी का ऑप्शन आ रहा है टाइप ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट, इसमें आप जो पहला ऑप्शन है कि सेलेक्ट टाइप ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन आ रहा है हमें कुट्टी की मशीन के लिए करना है आवेदन, तो तीसरा ऑप्शन है कि ट्रैक्टर या पावर ऑपरेटेड, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में जो यहाँ पे चॉइस इम्प्लीमेंट है इस पर क्लिक करेंगे। चॉइस इम्प्लीमेंट में जो हमारा ये वाला ऑप्शन है चाप कटर, इसकी स्पेलिंग देख सकते हो आप चाप कटर, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर कुट्टी की मशीन के लिए करना है तो चाप कटर पर आप क्लिक करेंगे। फिर जो थर्ड ऑप्शन आता है बीएचपी ऑफ ट्रैक्टर, अगर आपको चाप कटर जो है वो मोटर के तहत चलानी है यानी कि आप उसमें मोटर लगाओगे तो आपको उसकी बीएचपी करनी पड़ेगी। तो जनरली हम सब मोटर का इस्तेमाल करते हैं, जो मोटर आती है इलेक्ट्रिक मोटर, तो हम जो चाप कटर के लिए जो मोटर है वो बिलो 20 HP या फिर ये 3 HP जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। आपको इस पर क्लिक करना है जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है 3 HP वाले पे। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज लिखी आ रही है कि क्या आपने पिछले
पिछले 3 सालों में कुट्टी की मशीन पर कोई अनुदान प्राप्त किया है? तो आपने नहीं किया है, तो नो पर पहले से ही टिक यहाँ पे हो रखा है, उसको आपको छेड़ना नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर डी में दिया गया है कि अगर आपका ट्रैक्टर है, आप अगर ट्रैक्टर से यूज करना चाहते हो चाप कटर को, तो आपका सेल्फ ओवन है या फिर फैमिली का है? तो जनरली हम यहाँ पर सेल्फ पे ही कर लेंगे, क्योंकि अपन तो मोटर का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो सेल्फ पे कर लेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली। सेलेक्ट फार्मर कैटेगरी, इसमें हमें 3 कैटेगरी देखने को मिलती है, मार्जिनल, स्मॉल एंड अदर। मार्जिनल, स्मॉल और यहाँ पर पहले से ही अदर पर क्लिक हो चुका है। तो अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, या फिर महिला हैं, या फिर लघु सीमांत हैं, तब तो आप स्मॉल और मार्जिनल पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप किसी सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन आप महिला के नाम से आवेदन कर रहे हैं, तब आप अदर पर क्लिक करेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो बेसिकली यहाँ पर अदर पर क्लिक हो रखा है मेरा, तो मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। आप चाहें तो मार्जिनल कर सकते हैं या फिर स्मॉल भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो अगला ऑप्शन आ रहा है कि अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आपको जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। पहला आया यहाँ पे फार्म लैंड ओनरशिप, यहाँ पर मेरा सेल्फ पर पहले से ही क्लिक हो रखा है। अगर जमीन मेरे खुद के नाम पर नहीं है, यानी कि मेरे पिताजी के नाम पर है, तो एक नॉशनल शेयर का सर्टिफिकेट लगता है, वो पटवारी द्वारा बनता है। वो आप यहाँ पर जैसे इसको चेक मार्क पर इसको हटाएंगे तो यहाँ पे अपने आप चेक मार्क हो जाएगा ये वाला। तो आपको उसमें नॉशनल शेयर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर जो जमीन है, अगर आवेदनकर्ता के खुद का नाम पर है, तो आप सेल्फ पर ही क्लिक करने दें। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कोटेशन अपलोड। देखिए कोटेशन क्या होता है, कोटेशन आप जब भी फार्म इम्प्लीमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो जिस भी फार्म से आप कृषि यंत्र खरीद रहे हैं, वो आपको एक कच्चा बिल बनाकर देते हैं, उसे कोटेशन कहते हैं। कच्चा बिल आपको ऑनलाइन आवेदन के समय आपको अपलोड करना आवश्यक होता है। आप कृषि विभाग के माध्यम से कोई भी रजिस्टर्ड फार्म हो, वहां से आप कृषि यंत्र आप खरीद सकते हो। तो कोटेशन यहाँ पर हमें अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अपलोड इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि अगर आप कुट्टी की मशीन यानी कि चारा काटने की मशीन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको बिजली का बिल अपलोड करना बहुत ही आवश्यक है। बिना बिजली के बिल को आपको कुट्टी की मशीन पर अनुदान नहीं मिलेगा। अब स्थिति ऐसी आती है कि कभी कभी क्या होता है कि जो आवेदनकर्ता होता है उसके नाम पर बिजली का बिल नहीं होता है, जबकि उसके पिताजी के नाम होता है, या फिर उसकी माताजी के नाम या पत्नी के नाम होता है। इस तरीके से उसकी फैमिली में किसी अन्य व्यक्ति के नाम बिजली का बिल होता है। अब फैमिली में मीटर तो एक ही होगा, बिजली का बिल एक एक ही आदमी के नाम पर आएगा। उस स्थिति में क्या होता है कि अगर आपके पिताजी के नाम है, तो पिताजी के द्वारा एक सहमति पत्र बनेगा कि ऐसे ऐसे फलाना फलाना मेरा पुत्र और ऐसे करके अनुदान लेना चाहते हैं, उनको अनुदान दे दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक सादा कागज पर लिख करके आप डाल सकते हो। बिजली का बिल यहाँ पर आप अपलोड करोगे, सहमति के द्वारा लिया जा रहा है तो सहमति अपलोड करोगे। चौथा यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन आ रहा है कि जमाबंदी, जमाबंदी आपको कम से कम 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, और जमाबंदी में आपको जितना बड़ा खसरा हो सके उतना बड़ा खसरा अपलोड करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। बाकी चाप कटर के लिए आपको कोई निर्धारित कोई जमीन का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आप खसरा अपलोड कर देंगे तो अच्छी बात है। जमाबंदी आपको यहाँ पे करना है अपलोड, बहुत जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पर टोटल 4 तरह के टिक मार्क आ रहे हैं, इन चारों पर आपको टिक मार्क पे क्लिक कर लेना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन चारों को आप चाहो तो पढ़ सकते हो, और बाकी ये हमारी ये कुछ कंडीशंस हैं वो इसमें दी गई हैं। उसके बाद में सबमिट का जो बटन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट जो है अपलोड नहीं किए, इसलिए मेरे यहाँ पर ये पॉपअप खुल गया कि प्लीज अपलोड जमाबंदी डॉक्यूमेंट। अब जब आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट, कोटेशन हो गया, बिजली का बिल है और जमाबंदी का है, ये जब आप अपलोड करेंगे, तो आपको यहाँ पर सबमिट, जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको एक रिसिप्ट प्राप्त हो जाएगी, रसीद। उसमें आपको 0 रुपये में कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। उसमें आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर के बाद में आपके आवेदन की दिनांक कौन सी है, कौन सा समय, वो मिलेगा, और उसमें जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो 0 रुपये वो मिल जाएगा। वो एप्लीकेशन नंबर जो जो रिसिप्ट मिलेगी, उसका आप प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रखेंगे सुरक्षित। ये आपका आवेदन है जो ऑनलाइन हो चुका है, इसमें अब आपको कुछ भी नहीं करना है। अब विभाग आपके डॉक्यूमेंट की जांच करेगा, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं इस वक्त, उसकी ऑनलाइन ही आपको विभाग जांच करेगा, और वहां से प्री वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका पोस्ट वेरिफिकेशन होगा। तो साथियों ये थी आज की जानकारी, कुट्टी की मशीन के लिए आवेदन कैसे करते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में हमारे जो बेल आइकन है उसको दबा लें, ताकि हमारी इस तरीके की वीडियो जो आएंगी वो आपको सबसे पहले मिल सकें।